ये भाई एक बहुत दिनों से काम कर रहा है, इसकी पेमेंट अभी ये कुछ यहाँ पे सीख रहा है। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग आए थे एक कुछ काम से बाहर, तो यहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन दिखा, मैं सोचा आपको दिखा दूँ क्यों ना। बहुत ही लाजवाब गार्डन है यार, यहाँ बहुत सी पब्लिक बैठी है, यहाँ बैठ के ठंडे यहाँ के पेड़ पौधे का आनंद ले रही है। जंगल भी बहुत ही अच्छा है, पीछे देखिए पीछे का लोकेशन जरा, बहुत ही रोशन दिख रहा है। आपको दिखाता पूरा फुल। यहाँ पे देखिए जॉगिंग करने के लिए भी ये प्लेस बनाई गई है कि नहीं। जंगल देखिए यहाँ की, मेरे साथ मेरा भाई और अमित भी है। देखिए अमित और मेरा भाई भी है साथ में। देखिए आज सब लोग ब्लैक शर्ट पहने हैं, ब्लैक डे है यार। चोरी की वजह चलेगा। अरे वहाँ का अगर तो गाइस इसके पीछे का देखिए पूरा पानी सूख गया है एकदम से, एकदम खंडर जैसा लग रहा है, जैसा लग रहा है कि वाशिंग कंपनी है, लेकिन वो नहीं है गाइस। देखिए ऐसे वाशिंग में ऐसा नहीं है। यहाँ से हम जाएंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पे, जो कि बहुत ही पुरानी चीज़ है, आपको दिखाऊँगा, बहुत सरप्राइज है वो। मैं आपको दिखाऊँगा पुराने ज़माने की नाव, वो भी एकदम नज़दीक से, बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइस। हम लोग जा रहे हैं झाड़ी के अंदर से, क्योंकि वो आ गया ये प्लेस, देख लीजिए नज़ारा। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उस शिप के पास। देखिए बहुत ही पुराना शिप है गाइस, देखिए यहाँ पे, वाह क्या नज़ारा है यार, कितनी पुरानी, ऐसा लग रहा है कि 100-150 साल पुरानी ये शिप है, जबकि दो शिप है पीछे भी, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे क्या ओशन नज़ारा दिख रहा है पीछे, एकदम समुद्र। जो नाव दिख रहा है ये तो अभी शायद कुछ 4-5 साल पहले आया था ये, लेकिन उसके पीछे वाला जो नाव है वो गाइस वो 100-150 साल पुरानी वो नाव है, क्योंकि हम लोग बहुत पहले आए थे 2014-15 में, तब जाके वो नाव दिखी थी, और अभी जाके वो नाव दिख रही है, मतलब बहुत पुराना वो नाव है। अभी मैं पूरे बैक कमरे से आपको दिखाता हूँ इसकी क्या क्वालिटी और कितनी जंग खाई है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी है गाइस। तो देख लीजिए इस नाव को, गाइस इसको देख के आपको पता लग गया होगा कितनी अंग्रेजों के बनाया गया है ये नाव है, और बहुत साल देखिए बहुत पुराना है, इसकी तो बात ही कुछ अलग है। हम लोग बहुत लगभग 7-8 साल पहले आए थे तो इसको देखे थे, अभी जाके यहीं पड़ा है, मतलब बता सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, पूरी जंग खाई है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको बैक कमरे से पूरा खन मारा गया है, इसको यहाँ से फंसाया गया है, और ये नाव देखिए यहाँ पे कितनी जंग खाई है, पूरा लोख है ना देखिए यहाँ से, और ये देखिए कितनी बड़ी नाव है, ये दिख रहा है कितनी बड़ी नाव है भाई, मज़ा आ गया देख के। ये तो इतने साल पुराने बाद ही हमें देखने को मिला, और ये एक नाव ये तो अभी आई है, लगभग 4-5 साल पुराना है ये। देखिए बांद्रा लिखा है इस पर, बांद्रा, तो बांद्रा से आई है यहाँ पे, ये पब्लिक ही है भाई, अंग्रेज़ों ने बनाया था तो भाई वो लोग की बनाई गई कोई भी चीज़ यहाँ पे वेस्टेज नहीं है, सब यूजेबल है, पर यहाँ पे बहुत देखने लायक वो लोग भी जो बना के गए, सब देखने वाली चीज़ बना के गए। ये इतने सालों से यहीं पड़ा हुआ है, कहीं भी इसको हटाया गया नहीं है, हम लोग जब से इसको देख रहे थे, बहुत साल बाद भी हम लोग यहाँ पे आए हैं, और लगता है कि ये अब म्यूज़ियम जाएगा, म्यूज़ियम में ये देखने को मिलेगा, और इसके दाम तो भाई करोड़ों में बिकेगी ये, देखिए और कितनी बड़ी है ये, इसको तो अभी इतने साल होने के बाद ये डूबी नहीं है, देखिए इसका कोई भी, ये अभी तक पानी के ऊपर ही है, इतनी बड़ी होने के बाद भी ये डूबी नहीं है, यहाँ से देख सकते हैं। रस्सी, रस्सी भी अभी तक इतनी मजबूत है इसकी रस्सी, देखिए इसके पीछे से देखिए बहुत सारी नाव है, लेकिन वो उतनी पुरानी नहीं है, नहीं यहाँ से देखिए इसके पीछे भी बहुत सारी नाव है, क्योंकि वो उतनी पुरानी नहीं है, इस नाव के कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, बहुत सारी पुरानी नाव है, बहुत ज़्यादा पुरानी है। नाव देख के बहुत ही मज़ा आया गाइस, एकदम फुली इंजॉय किया हम लोग इस नाव को देख के, बहुत सारे बात ही। ये भाई एक बहुत दिनों से काम कर रहा है, इसकी पेमेंट अभी ये कुछ यहाँ पे सीख रहा है, लेकिन इसकी पेमेंट में नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा मतलब वो बता रहा है कि ऐसा ऐसा सीन है यहाँ पे, ठीक है। सेइंग 24 आवर्स यू आर लाइविंग दिस शिप, किधर गया भाई यहाँ
यहाँ पे, यहाँ शिप पे आने के लिए इन भाइयों ने पैसा भरा है भाई। बोलता है कि बड़े शिप का बोल के हमको इस छोटे शिप में डाल दिए, पर पैसा भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। वो बता रहा है भाई, केरला का बंदा है, उसको अच्छे से हिंदी नहीं आ रही फिर भी बता रहा है बंदा। इस यहाँ पे बहुत ही बुरी हालत है यार। वो बंदा एक है जो बोल रहा है मैं पेट के लिए आया हूँ, यहाँ पे कोई वेतन वेतन नहीं मिल रहा है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, बस एजेंट लोग चुतिया बना के हमको रख दिए यहाँ पे, और मेरा मंथली इनकम भी नहीं मिला है अभी तक। आज उस शिप में एक बंदा था जो कि बता रहा था कि हमने 6,500 रुपये भरा है एक एजेंट को, और उसने हमें ला के नेवी के नाम पे यहाँ पे खड़ा कर दिया है एक छोटे से बोट में, और यहाँ पे हम लोग 1.5 महीने से काम कर रहे हैं, हमें यहाँ के पगार भी नहीं मिल रहा है। और एक बंदा पहले हम लोग के पहले जब आया था तो उसने भी ऐसा सारा वीडियो शूट कर लिया था जो वहाँ का मालिक था, तो इन लोगों को बहुत मारा भी था और बहुत भूला भी था कि ऐसा किसी को सामने बताने का नहीं, हम लोग ऐसा ऐसा करके आए हैं तो भरोसा उठ जाएगा ना, बात यही हकीकत। इसलिए इन लोगों को टॉर्चर किया था। जब मैं वीडियो शूट करने जा रहा था तो बंदा कि दिखा रहा था कि भाई हम लोग मैं पेट के लिए कर रहा हूँ बस, और जैसे मैं उसको कुछ क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया वो चला गया। फिर मेरे को उसने बोला कि जो अंदर बैठा है वो हम लोग को टॉर्चर करेगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया यार। नेवी के नाम पे बस ऐसा लूटा जा रहा है एजेंट के थ्रू, तो अवेयर रहिए इन सब के मामले। ऐसी ऐसी चीज़ हो रही है यार इंडिया में, और ये बंदा केरला से आया महाराष्ट्र में जॉब करने के लिए, अभी बोलता है कि मैं ये सब नहीं करूँगा, अभी चले जाऊँगा अपने घर पर, मुझे ये सब नहीं चाहिए, बस इतना उसने बोला और बाकी चला गया। बोलता भाई मैं अभी कुछ नहीं बताऊँगा क्योंकि आगे प्रॉब्लम हो सकती है मेरे के लिए। तो मैं बोलना चाहूँगा कि यार जो भी आप कर रहे हो वो देख के सुनो अच्छे से उसके बारे में, तब जाके जॉब करो, नहीं तो मत करो। ठीक है गाइस, तो नेवी के नाम पे ये सब हो रहा है और रियल फैक्ट्स है ये सब, देख लीजिए। मैंने आपको लाइव उस बंदे को भी दिखाया था अभी तो बस गाइस ये रियल लाइफ है और रियल स्टोरी है, इसको जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए कि इंडिया नेवी के नाम पे ये सब हो रहा है। और वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।